सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज है हमारे पास रॉयल एनफील्ड की फ्लैगशिप मोटरसाइकिल द सुपर मीटियोर 650 एंड आज हमारे पास इसका टॉप वेरिएंट द सेलेस्टियल वेरिएंट। तो आज हम इसका डिटेल रिव्यू करने वाले हैं एंड आज हम उन सभी फीचर्स के बारे में बात करेंगे जो आपको इस टॉप वेरिएंट में ऑफर होते हैं एंड जिससे आपको राइड में काफ़ी कम्फर्ट मिलता है एंड वो सभी फीचर्स आपको बेस वेरिएंट एंड मिड वेरिएंट में ऑफर नहीं होते हैं। तो आज हम इसका राइड रिव्यू भी करेंगे, सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे एंड सुपर मीटियोर 650 की प्राइस को लेके भी एक अपडेट है तो आज हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखें एंड बिफोर स्टार्टिंग स्पेशल थैंक्स टू मंगलम मोटोकॉर्प चित्तौड़गढ़ द रॉयल एनफील्ड डीलरशिप टू हेल्प अस आउट इन दिस वीडियो। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो दिस इज़ द रॉयल एनफील्ड सुपर मीटियोर 650 सेलेस्टियल वेरिएंट। स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को एंड स्ट्रेट अवे हम बात करते हैं इसकी प्राइस अपडेट के बारे में। तो सुपर मीटियोर 650 की प्राइस हाइक हो चुकी है बाय ऑलमोस्ट 15,000 रुपीज़। तो आपको अब 15,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने होंगे हर वेरिएंट में एक्स शोरूम प्राइस में। बात करें अगर बेस वेरिएंट की जो कि है एस्ट्रल वेरिएंट, उसकी प्राइस अब हो चुकी है अप्रॉक्स 3,60,000 एक्स शोरूम। मिड वेरिएंट की बात करें जो कि है इंटरस्टेलर, उसकी प्राइस अब हो चुकी है अप्रॉक्स 3,75,000 एक्स शोरूम एंड दिस इज़ द टॉप वेरिएंट द सेलेस्टियल वेरिएंट, इसकी प्राइस हो चुकी है अप्रॉक्स 3,90,000 एक्स शोरूम। तो ये थी बात प्राइस अपडेट के बारे में एंड ये है फ्लैगशिप मोटरसाइकिल रॉयल एनफील्ड की। तो इसमें आपको काफ़ी अच्छी फिट एंड फिनिश मिलती है, इसकी बिल्ड क्वालिटी बेस्ट है। मतलब रॉयल एनफील्ड की अभी जो भी मोटरसाइकिल्स आ रही हैं प्रोडक्शन में उसमें सबसे बेस्ट फिनिशिंग बेस्ट बिल्ड क्वालिटी आपको मिलती है सुपर मीटियोर 650 में। उसके अलावा ये जो आपको अपीयरेंस मिल रहा है मॉडर्न क्रूज़र वाला, ये भी काफ़ी डिफरेंट लगता है एंड काफ़ी प्रीमियम फील मिलता है। तो ये थी बात इसकी एंड ये है टॉप वेरिएंट द सेलेस्टियल वेरिएंट। आज हम इसका रिव्यू इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें जो आपको फ़ीचर्स मिलते हैं वो आपको मिड वेरिएंट और बेस वेरिएंट दोनों में नहीं मिलते हैं और उसकी वजह से यहाँ पे अपीयरेंस भी काफ़ी डिफरेंट है एंड राइड करने में भी काफ़ी कम्फर्ट मिलता है। तो ये थी बात अपीयरेंस की, बिल्ड क्वालिटी की। अब करते हैं हम वॉक अराउंड और देखते हैं क्या कुछ एड ऑन मिलता है इस वेरिएंट में। स्टार्ट करते हैं फ्रंट से। तो यहाँ पर सबसे मेजर चीज़ ही डिफरेंट मिलती है वो है ये विंडस्क्रीन। जो ये विंडस्क्रीन है ये आपको ना तो बेस वेरिएंट में मिलेगी ना मिड वेरिएंट में मिलेगी, ओनली टॉप वेरिएंट में एज ए स्टैंडर्ड मिलती है एंड काफ़ी बड़ी ये आपको लंबी चौड़ी विंडस्क्रीन मिलती है। तो उम्मीद करता हूँ मैं कि विंड ब्लास्ट से हमें छुटकारा मिलेगा, अभी राइड करेंगे जब इसके बारे में बात करेंगे। बाकी हेडलैम्प सेटअप यहाँ पर आपको फुली LED मिल जाता है, रॉयल एनफील्ड का लोगो भी मिल जाता है, हेलोजन टर्न इंडिकेटर्स हैं, शोवा के अपसाइड डाउन फॉक्स इसमें आपको मिल जाते हैं जो कि काफ़ी शानदार कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा ये जो एलिमेंट्स हैं ये भी काफ़ी अच्छा कंट्रास्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। कमिंग टू द मडगार्ड, तो फ्रंट मडगार्ड यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे पेंट ट्रीटमेंट में मिलता है और इसको भी एड ऑन सपोर्ट यहाँ पर मिल जाता है। कमिंग टू द व्हील, तो एलॉय व्हील्स ऑफर होते हैं एंड इनका डिज़ाइन भी काफ़ी यूनिक है आगे और पीछे दोनों में। टायर सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है 100x19 इंच के फ्रंट एलॉय व्हील हैं। उसके अलावा इसमें ब्रेकिंग काफ़ी शानदार मिलती है, मैसिव डिस्क मिलती है, फ्रंट में 320 mm की डिस्क है, पीछे 300 mm की डिस्क है, बाइबर के कैलिपर्स आपको इसमें मिल रहे हैं विथ डुअल चैनल ABS। तो डुअल चैनल ABS तो आपको हर वेरिएंट में मिलेगा, इसकी कोई बात नहीं है। नाउ टॉकिंग अबाउट द डायमेंशंस, तो इसके डायमेंशंस भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें आपको 1500 mm का व्हील बेस मिलता है, तो लॉन्ग व्हील बेस वाली ये मोटरसाइकिल है। उसके अलावा इसका ग्राउंड क्लियरेंस है 135 mm, वो थोड़ा सा कम है। सीट हाइट है 740 mm, तो वो काफ़ी अप्रोप्रिएट है, कोई भी इसको राइड कर सकता है। कर्व वेट की बात करें 241 kg का कर्व वेट मिलता है आपको इसमें, वो थोड़ा सा मसला है, हर कोई इसलिए नहीं चला सकता। बस 740 mm की सीट हाइट है, इस पर कोई भी बैठ सकता है बट इसको कंट्रोल करना वो सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। तो ये थी बात इसकी डायमेंशंस की। नाउ कमिंग टू द इंजन एंड यहाँ पे आपको एक काफ़ी बड़ा ऑयल कूलर मिल जाता है एंड ये तो लेजेंडरी इंजन है रॉयल एनफील्ड का, बिकॉज दिस इज़ द पैरेलल ट्विन 650cc इंजन एंड ये इंजन प्रोड्यूस करता है 47 PS पावर एंड 52.3 Nm टॉर्क। अभी इसको राइड करेंगे तब इसकी परफॉर्मेंस के बारे में भी और खुल के बात करेंगे। रॉयल एनफील्ड का लोगो यहाँ पे मिल जाता है एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो रगेड फिनिश मिल रही है इससे काफ़ी अच्छा फील मिलता है। मैं इसीलिए बोल रहा था इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत डिफरेंट है, दूसरी मोटरसाइकिल्स में आपको ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी। सो ये थी बात इसकी एंड इसमें भी आपको कोई किक स्टार्ट ऑफर नहीं होता है एंड इसके फुट पैक्स देखिए आगे वाले कितने आगे हैं, तो बिल्कुल अलग ही राइडिंग पोजिशन मिलती है। साइड प्रोफाइल कुछ इस तरह की है सेलेस्टियल वेरियंट की एंड काफ़ी परफेक्ट क्रूज़र मोटरसाइकिल लग रही है।
साइड पैनल यहाँ पे आपको डुअल टोन में मिलता है, वाइट एंड दिस इज़ ब्लू। इसमें आपको दो कलर्स ऑफर होते हैं, एक है सेलेस्टियल ब्लू, एक मिलता है सेलेस्टियल रेड। दोनों ही काफ़ी प्रीमियम लगते हैं, तो प्रीमियम पेंट है। उसके अलावा ये डुअल टोन भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, सुपर मीटियोर 650 कुछ इस तरह का लिखा मिलता है। कमिंग टू द फ्यूल टैंक, तो फ्यूल टैंक भी यहाँ पे काफ़ी प्रीमियम लगता है एंड इसका जो पेंट है ये शानदार लगता है देखने में। लोगो कुछ इस तरह का मिलता है रॉयल एनफील्ड का एंड यहाँ पे भी डुअल टोन मिल रहा है, प्लस ये गोल्डन स्ट्रिप मिल रही है। 15.7 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिल जाता है, रॉयल एनफील्ड की बैजिंग है। एंड कमिंग टू द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, तो यहाँ पे आपको चाबी दिखा देता हूँ, वेव की मिलती है। उसके अलावा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पे आपको सेमी डिजिटल मिलता है, एनालॉग स्पीडोमीटर है, बाकी यहाँ पे सब चीज़ें स्क्रीन में, टाइम है, गियर शिफ्ट इंडिकेटर है, मल्टीपल ट्रिप्स मिल जाते हैं, फ्यूल गेज आपको इसमें मिल जाता है एंड यहाँ पे सारे इंडिकेटर्स हैं, तो ये सब चीज़ें हैं, बस टैकोमीटर मिसिंग है। उसके अलावा यहाँ पे ट्रिपल नेविगेशन एज ए स्टैंडर्ड मिलता है, तो ये भी एक अच्छी बात है। शोवा की बैजिंग यहाँ पे आपको मिल जाती है। कमिंग टू द हैंडल बार, तो काफ़ी चौड़ा हैंडल बार है, स्क्रीन में भी नहीं आ रहा था, सो हैंडल बार काफ़ी चौड़ा है, ब्लैक फिनिश में है एंड ये जो स्विचेज़ है ना ये भी आपको सबसे बेस्ट मिलते हैं रॉयल एनफील्ड के सुपर मीटियोर 650 में। तो इनकी क्वालिटी देखिए, सो अप टू द मार्क क्वालिटी है एंड ग्रिपिंग काफ़ी अच्छी है, रॉयल एनफील्ड की बैजिंग मिल जाती है यहाँ पे। कमिंग टू दिस, यहाँ पे आपको एडजस्टेबल लीवर्स मिलते हैं, सो ये भी एक प्रीमियम चीज़ है। सो दोनों ही लीवर्स एडजस्टेबल हैं। उसके अलावा क्रोम फिनिश में रियर व्यू मिरर है। नाउ कमिंग टू द सीट, तो एक और फीचर जो आपको मिड वेरिएंट एंड बेस वेरिएंट में नहीं मिलता है वो है ये टूरिंग सीट। इस वेरिएंट में आपको एज ए स्टैंडर्ड टूरिंग सीट मिलती है, तो ये एड ऑन कंफर्ट देती है जब आप राइड करेंगे, फॉर राइडर एंड फॉर पिलियन बोथ। एंड इसके अलावा यहाँ पे आपको बैक रेस्ट भी एज ए स्टैंडर्ड मिलता है। ये भी देखिए कितना बड़ा सारा लंबा चौड़ा है, रॉयल एनफील्ड का लोगो मिल जाता है। तो ये तीन चीज़ें हैं जो आपको एडिशनल मिलती हैं सेलेस्टियल वेरिएंट में, एक तो है बैक रेस्ट, एक मिल जाती है आपको ट्यूरिंग सीट एंड आप एक आपको मिल जाता है ये विंड स्क्रीन। तो इसकी वजह से मुझे लगता है काफ़ी राइड करने में काफ़ी डिफरेंट फील मिलता होगा इस टॉप वेरिएंट को। सो ये थी बात इसकी। पीछे यहाँ पे आपको डुअल सस्पेंशन सेटअप मिल जाता है और ये भी काफ़ी बड़े लंबे चौड़े लग रहे हैं। पीछे वाला टायर देखिए, एकदम बड़ा चौड़ा टायर यहाँ पे आपको मिल जाता है, 150/80/16 सेक्शन का ये पीछे वाला टायर है। सो मैसिव व्हील एंड यहाँ पे आपको 300 mm की डिस्क मिल जाती है, बाइबर के कैलिपर्स हैं। एंड एग्जॉस्ट की बात करें तो क्रोम फिनिश में एग्जॉस्ट मिलते हैं और डुअल एग्जॉस्ट सेटअप यहाँ पे आपको मिलता है। यू कैन सी पीछे से कुछ इस तरह का अपीयरेंस है, दोनों एग्जॉस्ट काफ़ी शानदार लुक दे रहे हैं और जब चलाते हैं ना तो मज़ा आ जाता है इसको यार चलाने में। सो ये थी बात इसकी। LED टेल लैंप मिल जाती है, हेलोजन टर्न इंडिकेटर्स हैं, रॉयल एनफील्ड का लोगो है एंड यहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगती है, फिर आपकी गाड़ी हो जाती है एकदम शानदार यहाँ पे सभी चीज़ें लगने के बाद। सो ये थी बात इसकी। साड़ी गार्ड भी आप देखिए कितने अच्छे से, मतलब कितनी अच्छी से पोजिशनिंग कर रखी है उसकी। सो साड़ी गार्ड आपको मिल जाता है। इसका साइड स्टैंड देखिए कितना छोटा सा है, बिल्कुल इतना सा, तो माइनर सी डिटेलिंग अच्छे से कर रखी है। बस इसमें एक अच्छी बात है कि इसमें आपको सेंटर स्टैंड मिल जाता है, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस कम है तो हो सकता था कंपनी सेंटर स्टैंड हटा देती, बट कंपनी ने इसको दिया है तो सभी चीज़ें ये मिलती हैं आपको। एंड इसमें मैंने बता दिया आपको जो तीन फीचर्स मिलते हैं वो आपको मिलते हैं एड ऑन फीचर्स एंड उसी की वजह से इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर बेस वेरिएंट से इसकी प्राइस कंपेयर करें तो एक्स शोरूम में ही आपको 30,000 रुपये का ऑलमोस्ट डिफरेंस मिल जाता है। तो ये थी बात इसकी। अब हम करते हैं इसका राइड एंड राइड करने में पता लगाएंगे कि क्या हमें इसमें एड ऑन कंफर्ट मिलता है, क्या इसकी परफॉर्मेंस मिलती है एंड क्या हमें ये वेरिएंट लेना चाहिए सुपर मीटियोर 650 का। सो नाउ लेट्स गो फॉर द राइड। सो दिस इज द परफेक्ट क्रूजर मशीन। रॉयल एनफील्ड सुपर मीटियोर 650 को चलाने का मज़ा ही अलग है। सबसे पहली बात तो इसमें आपको जो इंजन मिलता है उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार है, उसके अलावा जो इसमें आपको सिटिंग पोस्चर मिलता है वो काफ़ी शानदार है। अब स्ट्रेट अवे हम आ जाते हैं इस सेलेस्टियल वेरिएंट में जो हमें फ़ीचर्स मिलते हैं उससे क्या बेनिफिट हो रहा है हमें, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहली है ये विंड स्क्रीन। सो इस विंड स्क्रीन से यार सबसे मेजर डिफरेंस जो मुझे लगा वो है विंड ब्लास्ट का। अगर आप दूसरे वेरिएंट्स इसके चलाएंगे तो उसमें आपको विंड ब्लास्ट अच्छा खासा फील होगा, क्योंकि ये मोटरसाइकिल भगती है यार, भगती है, मतलब हाथ से छूट के भगती है जब आप इसको एकदम से पुश दोगे जस्ट लाइक दैट। सो इसमें आपको विंड ब्लास्ट काफ़ी अच्छा फील होता है
जब आप नॉर्मल दूसरे वेरिएंट चलाते हैं, या तो बेस वेरिएंट हो या मिड वेरिएंट हो, बट इस वेरिएंट में आपको जो स्ट्रेट मतलब जो आपके चेस्ट पे जो विंड ब्लास्ट होता है वो आपको बहुत कम फील होगा। एंड इसकी विंड स्क्रीन का ये फ़ायदा आपको इसमें मिल रहा है सेलेस्टियल वेरिएंट में। सेकंड चीज़ की बात करें वो है टूरिंग सीट। तो नॉर्मल वेरिएंट्स में आपको मतलब बेस वेरिएंट और मिड वेरिएंट में जो सीट मिलती है वो इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। हालांकि सिंगल राइडर के लिए वो भी कंफर्टेबल है, बट अगर आप उसमें पिलियन को बिठाएंगे ना तो काफ़ी अनकंफर्टेबल आपको भी फील होगा एंड पिलियन को भी होगा। बट यहाँ पे टूरिंग सीट है, उसके साथ में पीछे बैकरेस्ट है, तो आप अगर पिलियन को बिठा रहे हैं एंड सिंगल राइड भी कर रहे हैं ना तो काफ़ी अच्छा कम्फर्ट आपको मिलता है सेलेस्टियल वेरिएंट में। तो ये इसके सबसे मेजर बेनिफिट्स हैं अगर आप सेलेस्टियल वेरिएंट को कंसीडर करते हैं। तो ये जो तीन चीज़ें आपको मिल रही हैं, तीन फीचर्स आपको ऐड ऑन मिल रहे हैं, हालांकि पैसे आपको ऐड ऑन पे करने पड़ रहे हैं, बट कंफर्ट के लिए सब कुछ करना पड़ता है यार। अगर आपको ऐड ऑन कंफर्ट चाहिए, आप इससे मान लीजिए 300, 400, 500 किलोमीटर की राइड कर रहे हैं, अगर एक दिन में भी कर रहे हैं कंप्लीट, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि इसमें इतना अच्छा कंफर्ट है। इसका हैंडल देखिए कितना ब्रॉड है, एकदम ब्रॉड हैंडल है। इसकी पोजीशनिंग इतने अच्छे से की है कि आपके हाथों का बहुत अच्छा पोस्चर बनता है। जो फुट रेस्ट हैं वो काफ़ी आगे के साइड हैं, तो काफ़ी अच्छी सिटिंग पोजीशन इसमें मिलती है एंड इसको चलाने का फील ही अलग है, बिकॉज दिस इज़ द परफेक्ट क्रूज़र मशीन। मैं इसीलिए रिव्यू के टाइम पे भी बोल रहा था कि रॉयल एनफील्ड की बेस्ट मोटरसाइकिल है ये। अभी अगर हम कंसीडर करें जो अभी प्रोडक्शन मोटरसाइकिल्स हैं, इसमें सबसे बेस्ट मोटरसाइकिल है सुपर मीटियोर 650। एंड इसका सबसे मेन रीज़न यही है कि इसकी बिल्ड अच्छी है, इसका जो हर चीज़ है, मतलब आप ब्रेकिंग ले लीजिए, चाहे इसके सस्पेंशन ले लीजिए, इसमें आपको शोवा के USD फॉक्स मिल रहे हैं, पीछे के सस्पेंशन भी काफ़ी मैसिव मिल रहे हैं, तो उसकी वजह से एक अलग ही फील आपको मिलेगा इसको चलाने में। कंफर्टेबल सस्पेंशन है, ब्रेकिंग आपको सबसे बड़ी ब्रेकिंग मिल रही है, मतलब सबसे बड़ी डिस्क आपको मिल रही है रॉयल एनफील्ड की। इसके अंदर 320mm की फ्रंट डिस्क है, पीछे वाली 300mm की है, तो ब्रेकिंग में भी आपको कोई हेजिटेशन नहीं होगी, कंट्रोलिंग करने में कोई हेजिटेशन नहीं होगी। एंड ये सबसे मेजर चीज़ है इस सुपर मीटियोर 650 की। तो ये सेलेस्टियल वेरिएंट आप कंसीडर कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा पैसा लगाना है एंड कंफर्ट आपको चाहिए। आप आफ्टर मार्केट एसेसरी पे जाओगे तो उतना मज़ा नहीं आएगा, बट ये आप लेते हैं तो इसमें आपको मतलब कंपनी फिटेड बिल्कुल परफेक्ट चीज़ें मिल रही हैं। तो यू कैन श्योरली गो फॉर दिस। आप इसका टेस्ट राइड करिए और दूसरे बेस वेरिएंट एस्ट्राल का करिए या फिर इंटरस्टेलर का करिए, आपको एक स्लाइट डिफरेंस पता चलेगा चलाने में बाइक को। तो वो डिफरेंस है इसकी जो फीचर्स हैं, जो कंफर्ट फीचर्स दिए गए हैं उसकी वजह से ये मेन डिफरेंस आपको मिल रहा है। और उसके अलावा इसकी प्रेजेंस, रोड प्रेजेंस काफ़ी डिफरेंट है। अब दूसरे वेरिएंट्स थोड़े से ठीक ठाक लगते हैं, बट ये अलग ही प्रीमियम फील देता है। कहीं से भी निकलोगे आपको ज़रूर एक बार को तो कोई ना कोई नोटिस कर ही लेगा कि यार ये कौन सी बाइक जा रही है। तो ये एक बात है। एंड माइलेज वाइलेज तो यार अब इस क्रूज़र मोटरसाइकिल में, इतनी हैवी मोटरसाइकिल में कहाँ माइलेज देखोगे, फिर भी ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर पर लीटर आपको इजीली मिल जाएगा क्योंकि ये रॉयल एनफील्ड है, हर कोई नहीं है। तो रॉयल एनफील्ड के माइलेज में कभी कोई दिक्कत नहीं है। ये इंजन पहले भी आता था 650 में, इंटरसेप्टर में आता था, GT 650 में आता था। अब यहाँ पे थोड़ा सा वेट बढ़ गया है तो उसकी वजह से मुझे लगता है थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस मिलेगा आपको माइलेज में, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। सो ये सब चीज़ें हैं, आप कंसीडर कर सकते हैं सुपर मीटियोर 650 का ये सेलेस्टियल वेरिएंट। बाकी मुझे तो चलाने में काफ़ी मज़ा आ रहा है और शानदार शाम है, इस टाइम पर राइड करने निकली है, मज़ा आ जाएगा क्रूजिंग करने में। तो ये था हमारा आज का वीडियो अबाउट रॉयल एनफील्ड सुपर मीटियोर 650 सेलेस्टियल वेरिएंट। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द लिटिल बेल आइकन टू स्टे नोटिफाइड ऑलवेज। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइज़।